लेट्स वेक अप एंड गेट रेडी फॉर गोवा। जब तक पानी भर रहा है मेरा, तब तक मैं जरा पौधों को पानी दे दूँ। अभी 4 दिन तो कोई होना नहीं, तो इसलिए इनको भी तो पानी की जरूरत पड़नी है। चलो जी, अपन तो हो गए हैं रेडी। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं कि घर वाले कहाँ तक पहुंचे, कितनी देर लगेगी उनको, और नीचे चल के दूध छूट पीते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, बिकॉज यार 11 बजे की फ्लाइट है तो अपने को 8 बजे तक तो निकलना पड़ेगा। तो इसलिए नीचे चलते हैं, तैयार होते हैं। अब आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या चीजें पहनी है। ये जीन्स पहनी है, टी शर्ट पहनी है, और ये है मेरे नए शूज, जिसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, बिकॉज यार अनबॉक्सिंग करने की अपने को आदत पड़ गई है, तो इसलिए इसकी भी हमने अनबॉक्सिंग कर दी। तो इसकी वीडियो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। अब चलते हैं नीचे। अरे भाई, अभी तक आप तैयार नहीं हुए यार, पता नहीं कितनी देर लगाओगे। 7 बजे बढ़े, पता अपने को 7:30 बजे तक निकलना था, अब 8 बज जाएंगे निकलते निकलते। जल्दी करो, शाबाश। बाकी भाभी तैयार हो गई? और मेहर? मेहर अभी सो रही है। चलो ठीक है, फटाफट जाओ नहाओ, फटाफट चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। और ये हमारी मेहर बुद्धि राजा जी, ये हो गई है तैयार। चलो जी, गेट रेडी फॉर गोवा। चलो, ये मेहर भी रेडी हो गई है, मम्मी भी रेडी हो गई है, सब रेडी हो गए हैं। ये ऐसे ऐसे घूम रही हैं। और हमारे बैग वैग भी सब सेट हैं, सब कुछ। चलो ये नाश्ता नाश्ता करो भाई। चलो जी, हम निकल गए हैं, हम अपनी कैब में बैठे हैं, और 7 बंदों की कैब में भी जगह कम पड़ रही है, इतने ज़्यादा बंदे हो गए हैं। और ये आगे बैठे हैं पापा, और अब हम जा रहे हैं टर्मिनल 2। और क्या, अब पहली बार यही तो करता है, पहली बार ब्लॉगिंग करते हुए। चलो चलो, अब टर्मिनल पहुँच के फिर हम आपसे बात करेंगे। अब आ गए हम एयरपोर्ट पे, तो यहाँ से हम चेक इन करने वाले हैं। बस अब वेट ही करना है प्लेन में चढ़ने का, मिलते हैं फिर प्लेन में चढ़ के। आ गए जी हम एयरपोर्ट पे, नाश्ता वास्ता कर रहे हैं और शेयर मार्केट देख रहे हैं। ये देखो, मेरू को नाश्ता कराया जा रहा है। सब अभी थोड़ा टाइम है, 1 घंटा है फ्लाइट चलने में, बैठे हैं आराम से, नाश्ता वास्ता कर रहे हैं। भाई इसे चश्मा देना। आ गए जी अपने फ्लाइट के पास, और ये है अपना प्लेन। हम लेते हैं थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह, उसके बाद चढ़ते हैं प्लेन में, ठीक है? ओके।
क्लब महिंद्रा एस एनोरा में अब करेंगे आराम थोड़ी देर, उसके बाद चलेंगे कहीं घूमने या पता नहीं। पहले करेंगे आराम, फिर करेंगे धूमधाम या तोड़ फोड़। चलो जी चले हैं अपन अपने होटल, अपने मतलब रूम की तरफ। ये रास्ता है जी, ये पूरा इन्होंने बना रखा है, बढ़िया बना रखा है। चल रहे हैं जी, चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? 8 और 9। ये लो जी 8 की चाबी 9 की चाबी। देख लो अंदर लिखा हुआ है। ये जी एक ये 8 3108। अरे नहीं 31, अंदर देखो ना कार्ड के अंदर, कार्ड के अंदर ये 3109। ये 2 रूम है जी, अब आपको दिखाते हैं कैसा है रूम। चलो जी शाम को निकल रहे हैं होटल की गेड़ी मारने, और ये है अपनी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी बहुत गर्म है वैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसी है कैसी नहीं है। बाकी अब चलते हैं कहीं, देखते हैं रूम वूम कैसा है, आपको भी दिखाऊंगा कैसा रूम है, रूम सॉरी होटल कैसा है। तो होटल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी बड़ा होटल है, तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे क्या। लाइट वगैरह है यहाँ पर, और ये है अपना आरुष। ये स्लाइड्स वगैरह हैं पीछे, आप मेरे देख सकते हो, मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखा दूंगा अभी। और भी बहुत कुछ है इस होटल में, रिसोर्ट में ओके रिसोर्ट में। तो यहाँ पर और भी बहुत कुछ है, तो वो आपको धीरे धीरे दिखाता रहूँगा मैं, ठीक है।
ऑलमोस्ट पूरा। अब हम सारे ही मतलब रिजॉर्ट वगैरह देख कर अब जा रहे हैं हम खाना वाना खाने, तो देखते हैं भाई खाना वाना कैसा मिलता है। तो चलते हैं। अभी एक हॉन्टेड शो था, मतलब बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया था वो, हमने देखा। उसकी मैं क्लिप्स वगैरह डाल दूंगा वीडियो में, मतलब आवाज़ तो नहीं डाल पाऊंगा बिकॉज उसमें थोड़े बहुत सॉन्ग्स वगैरह थे, तो कॉपीराइट आने का चांस होगा। बाकी मैं आपको क्लिप वगैरह डाल के दिखा दूंगा। तो अब चलते हैं खाने की तरफ। चलो जी, अब तो हो गया अपना खाना, और ये अभी भाई लगा हुआ है, ये टिक्की शिक्की खा रहा है। ये मेरी भतीजी मेहर को सुलाने गया था भाई, और टिक्की शिक्की खा रहा है, आइसक्रीम आइसक्रीम खा रहा है। बस ये भाई खा लेता तो फिर चलते हैं अपने रूम पे और करेंगे आराम। ये है आना। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो। कोई भी नहीं। चलो जी, आज का दिन हो गया, पहला दिन अपना गोवा में, और अपन अब सोने की तैयारी करते हैं। पापा अपनी शेयर मार्केट की क्लास ले रहे हैं, और मम्मी सो चुकी है ऑलरेडी ही, मतलब सो रही है, तो हम भी सोते हैं। तो चलो जी, गुड नाइट।